हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम उमाशंकर निर्मलकर, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी चंदपुरी दुर्ग। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो हम सिंपल इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे कि आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो होता है वो कंडीशन वेयर द हार्ट इज अनेबल टू प्रोवाइड इनफ परफ्यूजन टू द पेरिफेरल ऑर्गन्स टू मीट मेटाबॉलिक डिमांड। मीन्स जितना हार्ट की एक कैपेसिटी होती है ब्लड पंप करने की, वो रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण से आपका जो रिड्यूस हो जाती है अप टू 40%, मतलब कि आपका 30-40% ही आपका जो हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी होता है 30-40% ही रहता है। और जो आपका फंक्शनल डिमांड है या मेटाबॉलिक जो डिमांड है आपके अदर ऑर्गन्स को, पेरीफेरी में जो अदर ऑर्गन्स हैं उसको, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो सिंपल आप समझ सकते हैं कि जब आपके हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव का मतलब कंजेशन, मतलब आपके हार्ट में एक कंजेशन, कंजेशन का मतलब होता है जगह कम जैसा कंडीशन होना। तो उस कम अमाउंट में जब निकलता है तो उसी को हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसके करेक्टर्स हैं आपके रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, जो कार्डियक आउटपुट होता है वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि आपका जो नॉर्मल अगर फंक्शन देखा जाए तो आपका हार्ट एक मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है, तो उसका जो आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 2 लीटर 3 लीटर के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारे बॉडी के लिए इनसफिशियंट हो जाएगा। तो उसी इनसफिशियंसी को हम बोल सकते हैं हार्ट के फंक्शन से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इंक्रीज टोटल पेरीफेरल रेजिस्टेंस, क्योंकि आपके जो पेरीफेरी में जो अदर ऑर्गन्स है उसका जो एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा क्योंकि उनको उतना अमाउंट में ब्लड चाहिए ही रहता है लेकिन वो अमाउंट में नहीं मिल पाता, जिसके कारण से उसमें रेजिस्टेंस डेवलप होते जाता है। और आपका प्रोसेसिंग ऑफ CHF एकम्प्लाइज बाई पेरीफेरल एंड पल्मोनरी एडिमा, और ये आपका CHF जो है आगे बढ़ के आपका एडिमा कॉज भी करते हैं आपके पेरीफेरी में एज वेल एज आपके पल्मोनरी में भी। तो ये आपका सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। तो अगर थेरापिटिक व्यू देखें हम, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का थेरापिटिक व्यू देखें तो क्या क्या होता है, रिड्यूस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, आपको फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया है, उसको हमको इंक्रीज करना है, आपका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया उसको हमको डिक्रीज करना है, आपका डेवलपमेंटल एडिमा हो, आपका एडिमा का डेवलपमेंट हो गया उसको हमको कम करना है, एक्सरसाइज टॉलरेंस कम हो गया उसको हमको बढ़ाना है, इस्केमिक हार्ट डिसीज़ हो गया उसको भी हमको देखना है कि आपका हार्ट के कौन से मसल्स में आपका ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ब्लड की कमी हो गई जिसके कारण से आपका हार्ट का फंक्शन कम हो गया है, वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग और डिक्रीज फंक्शन, आपका जो वेंट्रिकल्स है उसमें रीमॉडलिंग हो गया उसको भी हमको क्या करना है, कम करना है, डिक्रीज हो गया फंक्शन को क्या करना है, हमको इंक्रीज करना है, तो ये सब काम भी करना है, सडन डेथ, आपका CHF के कारण सडन डेथ होता है उसको भी क्या करना है, हमको कम करना है। तो ये हो गया आपका ओवरव्यू आप CHF, और इसको क्या करेंगे, थेरापिटिक ओवरव्यू आप CHF, इसको हमको क्या करना है, ड्रग ट्रीटमेंट या नॉन ड्रग ट्रीटमेंट के थ्रू इस सबको कम करना है। तो हम देखते हैं गोल्स क्या क्या होते हैं आपके। गोल्स की बात करेंगे तो एलिवेशन ऑफ सिम्टम्स एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब हमको सिम्टम्स को क्या करना है, सिम्टम्स का पता लगाना है, उस पर काम करके हमको उसको कम करना है, और अल्टीमेटली आपको क्या हो जाएगा, सब चीज़ें करने के बाद, सिम्टम्स को पता लगाने के बाद, उसको कम करने के बाद, उसमें ट्रीटमेंट करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो लाइफ की क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। अरेस्ट वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग, जो रिमॉडलिंग हो रहा है उसको क्या करना है, हमको ओवरकम करना है, रोकना है। प्रिवेंट सडन डेथ जो होता है आपका हार्ट डिसऑर्डर के कारण, उसको हमको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। जो आपका नॉन ड्रग थेरेपी होता है उसमें क्या क्या होता है, आपका कार्डियक वर्क को रिड्यूस करना है, रेस्ट करना है, और वेट लॉस करना है, आपका जो वेट गेन हुआ है उसको हमको क्या करना है, कम करना है, तो वेट लॉस बोलते हैं उसको। लो सोडियम डाइट, आपके सोडियम डाइट को क्या करना है, हमको कम करना है। तो ये तीन चीज़ें जो होती है क्या होती है, आपका नॉन ड्रग थेरेपी होता है। देन हम देखते हैं कि आपका ड्रग थेरेपी क्या क्या होता है। तो ड्रग थेरेपी की बात करेंगे तो आपके कुछ जो ड्रग है, जैसे आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर का मतलब है आपका एक ड्रग है आपका ACE इनहिबिटर, दिस इज अ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। सेकंड है आपका एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की बात करेंगे
तो इस पर भी हम ड्रग देखेंगे क्या क्या है। वैसे ही वैसोडायलेटर्स, डायबिटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स और एनोट्रॉपिक्स ड्रग्स, तो देखेंगे आपके ड्रग्स क्या क्या होते हैं, इसके एग्जांपल क्या क्या है। तो हम अगर एग्जांपल में देखें तो डायबिटिक्स की बात करेंगे तो आपका फ्यूरोसेमाइड, स्पैनोलैक्टोन और एप्लीरिनॉन, तो ये आपके ड्रग्स हैं जो वैसोडायलेटर्स डायबिटिक्स के फॉर्म में यूज़ होते हैं। फ्यूरोसेमाइड दिस इज अ लूप डायुरेटिक्स, ड्रग एक्टिंग ऑन RAS, ड्रग एक्टिंग जो आपके रेनिन एंजियोटेंसिन में यूज़ होता है। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में आपका लोसार्टन और टेलमिसार्टन, एस इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर की बात करेंगे तो आपका कैप्टोप्रिल और एनालप्रिल। वैसे ही आपका वैसोडायलेटर्स की बात करेंगे तो आपका हाइड्रालेजिन प्लस आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, हाइड्रालेजिन और आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट जो होता है यूज़ होता है आपका एज ए वैसोडायलेटर। और नेसरीटाइड जो होता है आपके, ये भी ड्रग है जो आपका वैसोडायलेटर्स में काम आता है। वैसे आपके बीटा ब्लॉकर्स कार्बेडिलॉल, मेटोप्रोलॉल और बिसोप्रोलॉल, ये बीटा ब्लॉकर्स जो ड्रग होता है वो ज़्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशंस होता है आपके CHF के लिए। देन हम देखते हैं डायरेटिक्स, आपका डायरेटिक्स का फंक्शन क्या क्या हो सकता है इसको हम देखते हैं। तो अगर हम डायरेटिक्स की बात करेंगे तो डायरेटिक्स कहाँ यूज होता है, मोस्टली यूज्ड ड्रग्स इन हार्ट फेलियर मैनेजमेंट, हार्ट फेलियर मैनेजमेंट में यूज होने वाला मोस्टली ड्रग होता है, हार्ट फेलियर मैनेजमेंट में यूज होता है। डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी में, ये आपका इनडायरेक्टली वर्क करता है कार्डियक डिसऑर्डर में या कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी में। कैसे एक्ट करता है ये देखेंगे, एक्ट रिड्यूसिंग वेनस प्रेशर हैंस रिड्यूसिंग वेंट्रिकुलर प्री लोड, ये क्या करता है आपके जो वेनस में प्रेशर है, जो वेन्स में प्रेशर है, इसको क्या करता है ये रिड्यूस करता है, जिसके कारण से क्या होता है आपका जो वेंट्रिकुलर प्री लोड है, जो वेंट्रिकल्स में जो लोड होता है, वेंट्रिकल्स में जो ब्लड फिल होने के टाइम पे जो लोड होता है उसको क्या करता है ये रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है, वेनस प्रेशर को रिड्यूस करके। तो वेनस प्रेशर को रिड्यूस करने के कारण जो वेंट्रिकुलर प्रेशर में जो रिड्यूस हुआ है, वेंट्रिकुलर जो प्रीलोड है उसमें रिड्यूस होने के कारण क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं हमको, तो रिजल्ट मिलते हैं हमको डिक्रीज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। तो डायरेसिस का मतलब भी आपको समझ में आ रहा होगा कि यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, एज वेल एज ये यूरिन के एक्सक्रीशन को भी बढ़ाता है, यूरिन के आउटपुट को भी बढ़ाता है। तो यूरिन का आउटपुट बढ़ेगा, अल्टीमेटली आपका सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन आपका कम होगा क्योंकि वो आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है, जिसके कारण से आपका बॉडी में सॉल्ट और वाटर का जो रिटेंशन है, जो रुकावट है, मतलब रुकना, मतलब आपका स्टोरेज है, मतलब आपका स्टोर होता था उसी को हम रिटेंशन बोलते हैं, उसको क्या कर रहा है ये रिड्यूस कर रहा है। कैसे रिड्यूस कर रहा है, आपकी बॉडी से बाहर करके, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। दूसरा इसका फंक्शन है आपका रिड्यूस डिक्रीज एडिमा एंड इट्स सिम्टम, आपका एडिमा को कम करें। तो एडिमा को कम करने का मतलब ही है, एडिमा मतलब सूजन, तो सूजन का मतलब आप समझ सकते हैं, एडिमा मतलब आपका वहाँ पे फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है। तो अगर आपके बॉडी से फ्लूइड लिक्विड आपके बॉडी से बाहर जा रहा है तो अल्टीमेटली आपका एडिमा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। देन रिडक्शन इन कार्डियक साइज देयर फॉर इम्प्रूविंग पंप एफिशियंसी, अब आपका ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आपका वाटर, आपका सोडियम, आपका क्लोराइड ये आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है, मतलब आपका जो कार्डियक का साइज है वो भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर उसका रिड्यूस हो जाएगा तो उसकी एफिकेसी बढ़ जाएगी, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, काम करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पंपिंग की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका साइज क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो ये होता है आपका डायुरेटिक्स का यूज़। एग्जाम्पल देखते हैं आपका फ्यूरोसेमाइड का देखेंगे तो ये आपका लूप डायरेटिक्स होता है, क्योंकि ये आपका लूप ऑफ हेल्ले में यूज़ होता है, लूप ऑफ हेल्ले जो आपका नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेल्ले पार्ट होता है उसमें यूज़ होता है आपका फ्यूरोसेमाइड, इसलिए इसको लूप डायरेटिक्स भी बोला जाता है। यूज इन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ CHF, तो ये आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ CHF में यूज़ होता है, मतलब अगर आपको एडिमा का कंडीशन है, आपके बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है, उस कंडीशन में आप फ्यूरोसेमाइड का यूज़ करते हैं एज अ CHF ट्रीटमेंट ऑफ CHF। ये क्या करता है, प्रीलोड को कम करता है, सर्कुलेटरी वॉल्यूम को कम करता है और इम्प्रूव करता है पंप एफिकेसी को। ठीक है, तो प्रीलोड को कम किया और आपका जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन का वॉल्यूम है, उसको भी कम किया। ये आपको समझ में आ रहा है वो कैसे कम करता है, क्योंकि ये वाटर को यूरिन के फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर निकालता है, जिसके कारण से आपका जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो भी कम होगा।
अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा, जो आपका पंपिंग एफिकेसी है, पंपिंग क्षमता है, वो आपका बढ़ जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। रिमूव्स पेरिफेरल एडिमा, आपका पेरिफेरल एडिमा को ये क्या करता है, रिमूव करता है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इट इनहिबिट द को ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयन। ठीक है, तो को ट्रांसपोर्ट मतलब सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड आयन के को ट्रांसपोर्ट को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, जिसके कारण से आपका नेट लॉस ऑफ वाटर एंड सोडियम। तो यहाँ पे आपका नेट लॉस ऑफ वाटर एंड सोडियम मतलब कि अगर आप सिंपल सा आप टर्म्स देखें तो ये आपका नेफ्रॉन का, तो यहाँ से क्या होता है आपका जो सोडियम है, पोटेशियम है और क्लोराइड है, ये यहाँ से क्या होता है आपके ब्लड में रीअब्जॉर्ब होता है। तो इस को ट्रांसपोर्ट को ये क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, तो ये रीअब्जॉर्ब नहीं होगा और आपके नेफ्रॉन के थ्रू ये क्या हो जाएगा, आपके बॉडी से यूरिन के फॉर्म में बाहर हो जाता है। तो यही काम होता है आपके लूप डायरेटिक्स या फिरोसामाइड का। इसका साइड इफेक्ट आप देखेंगे तो हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि पोटेशियम का अमाउंट यहाँ से ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी से बाहर हो रहा है, तो आपकी बॉडी में इसकी कमी हो जाएगी, तो उसी को हम बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। ओटोटॉक्सिसिटी, हाइपर यूरिसेमिया, ये सब आपके कंडीशंस है। ठीक है, तो ओटोटॉक्सिसिटी भी होता है आपको, तो ओटोटॉक्सिसिटी भी इसका साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अब इसमें ओटोटॉक्सिसिटी में आप समझ सकते हैं, तो ओटोटॉक्सिसिटी आपका ईयर से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका जो वेस्टिबुलर सिस्टम है उससे रिलेटेड है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं परमानेंट या रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल या टेम्पोररी क्या हो जाएगा, आपके ईयर में डैमेज हो जाएगा। साथ ही साथ आपके आई में भी प्रेशर जो होता है आपका, जो आपके फ्लूइड प्रेशर होते हैं, वो भी डिस्टर्ब होता है। तो आई में भी आपका प्रॉब्लम हो गया, ईयर में भी आपका प्रॉब्लम हो गया। तो ऑटो टॉक्सिसिटी आपका रिलेटेड होता है ईयर से, ईयर मतलब ऑटो। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करेंगे तो रीनल इनसफिशियंसी और प्रेगनेंसी, जब आपका रीनल अच्छे से काम नहीं कर रहा है उस कंडीशन में आपको ये ड्रग नहीं देना है, और प्रेगनेंसी में भी आपको ये ड्रग नहीं देना है, ये दोनों के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग होता है। देन हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरथायाजाइड या थायाजाइड डायुरेटिक्स का। तो ये जो ड्रग होता है यूज्ड इन फ्रीक्वेंटली इन CHF, लेस फ्रीक्वेंट मतलब ये कम यूज होता है। दिस आर यूज्ड इन स्पेशल केस वेयर रेजिस्टेंट डेवलप टू द लूप डायुरेटिक्स आर ओनली। जब आपका लूप डायुरेटिक्स का रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, तब जाके आप डायुरेटिक्स जो थायाजाइड डायुरेटिक्स का यूज कर सकते हैं। इन सच सिचुएशन हाइड्रोक्लोरथायाजाइड में भी एडेड विथ लूप डायुरेटिक्स, कंबाइंड कॉम्बिनेशन में भी इस ड्रग को दिया जाता है। मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो ये आपका सोडियम पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को ये इनहिबिट करता है। तो इसका भी जो फंक्शन होता है सेम, लगभग मतलब लगभग सेम होता है फिरोसामाइड के जैसा। तो इसमें भी आपका वही हो जाएगा हाइपोकैलेमिया और हाइपोटेंशन, क्योंकि ये कभी कभी बहुत ज़्यादा कम कर देता है कॉन्ट्रेक्शन को, जिसके कारण से आपका प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण से आपको हाइपोटेंशन हो जाता है। स्पाइनोलैक्टोन की बात करेंगे तो स्पाइनोलैक्टोन क्या होता है, दिस इज द एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट डायरेटिक्स, ये आपका एल्डोस्टेरोन के रिलीज को कम करता है। तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट डायरेटिक, तो आपको पूछा जा सकता है कि एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट कौन होता है, मतलब कौन सा ड्रग होता है, तो आप लिख सकते हैं स्पाइनोलैक्टोन। तो स्पाइनोलैक्टोन क्या करता है, इनहांसेस डायरेसिस बाय प्रोमोटिंग सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन। तो आपको क्या करता है एल्डोस्टेरोन, क्या करता है आपका वो जो वाटर रिटेंशन का काम करता है एल्डोस्टेरोन, तो उसको हम अगर इनहिबिट कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, वाटर का जो एक्सक्रीशन है, सोडियम का एक्सक्रीशन है, वो आपके आपका बढ़ जाएगा। एडेड बेनिफिट लाइक डिक्रीज मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी इन पेशेंट विथ सीवियर CHF हु आर रिसीविंग ACE1 एंड अदर ड्रग्स। तो ये आपका बेनिफिशियल होता है, डिक्रीज करता है मोर्टिलिटी को और मॉर्बिडिटी को। तो ये आपको मोर्टिलिटी को भी डिक्रीज करता है, साथ ही साथ मॉर्बिडिटी को भी डिक्रीज करने का काम करता है। जो एस इनहिबिटर मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम या अदर ड्रग जो लेते हैं उनके साथ दिया जाता है, ताकि ये आपका बेनिफिशियल इफेक्ट दे। प्रिवेंट्स मायोकार्डियल एज वेल एज वेस्कुलर फाइब्रोसिस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोलॉजिकल रिमॉडलिंग ऑफ हार्ट। तो ये क्या करता है, मायोकार्डियल का जो फाइब्रोसिस होता है, जिसके कारण से आपका रिमॉडलिंग होता है, मतलब आपके हार्ट के साइज में इंक्रीजमेंट होता है, मतलब चेंजेस आता है, उसको ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है।
और इसका साइड इफेक्ट क्या है, मेजर साइड इफेक्ट इज हाइपर कैलेमिया। ये आपका सोडियम और सोडियम और क्लोराइड को तो बाहर करता है लेकिन पोटेशियम को रिटेन कर लेता है, जिसके कारण से आपके बॉडी में पोटेशियम का अमाउंट बढ़ जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं हाइपर कैलेमिया। तो ये होता है आपका स्पायरोलैक्टोन। देन हम बात करते हैं एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स की। तो एंजियोटेंसिन सिस्टम की बात करेंगे तो ये एंजियोटेंसिन सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, जब आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, तब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब ये सिस्टम एक्टिवेट कर होके क्या करता है, आपके प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। कैसे बढ़ाता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करके। और हमको क्या करना है यहाँ पे ड्रग CHF के ट्रीटमेंट में वैसो डायलेशन करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम को इनहिबिट करना पड़ेगा। तो इसमें हम दो पोर्शंस को इनहिबिट करते हैं। पहला आपका जब एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अगर हम इस एंजियोटेंसिन एंजाइम को इनहिबिट कर दें, मतलब एस इनहिबिटर देके इस एंजियोटेंसिन एंजाइम को इनहिबिट करें, तो आपका एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो आपका वैसो कॉन्स्टिट्यूशन जो हो रहा था वो नहीं होगा। वैसो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका वैसो डायलेशन होगा। वैसे ही आपका दूसरा ड्रग जो होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जो उसमें रिसेप्टर मेक करता है, वो ड्रग भी क्या करेगा, आपका वैसो कॉन्स्टिट्यूशन को इनहिबिट कर देगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या हो जाएगा, वैसो डायलेशन हो जाएगा। और हमको वैसो डायलेशन ही करना था CHF के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये भी आपका जो ड्रग होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो ड्रग, जैसे आपका एस इनहिबिटर की बात करेंगे तो आपका जो कैप्टोप्रिल होता है, नालप्रिल होता है, दिस इज अ एस इनहिबिटर। और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की बात करेंगे तो आपका लोसार्टन जो ड्रग होता है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, तो ये आपका एंजियोटेंसिन रिसेप्ट सिस्टम आपको दिख रहा है। अब एग्जांपल के रूप में देखेंगे आपका कि कैसे आपका एस इनहिबिटर काम कर रहा है। ठीक है, इस बात करेंगे कैप्टोप्रिल, तो आप इस ड्रग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन CHF में। ड्रग इन चॉइस की बात करेंगे तो आपका कैप्टोप्रिल एक्ट बाय ब्लॉकिंग एस, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक करता है जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, वैसोडायलेशन होगा, तो वैस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वैसोडायलेशन के कारण आपका जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाएगा, फैल जाएगा, जिसके कारण से आपका जो ब्लड का पासिंग होगा, ब्लड का वॉल्यूम होगा, ज़्यादा अमाउंट में जाएगा और आपका जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज एल्डोस्टेरोन रिलीज, एल्डोस्टेरोन के रिलीज को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, जिसके कारण से क्या होगा, आपका सॉल्ट और वाटर रिटेंशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब आपका सॉल्ट एंड वाटर का अमाउंट जो है जल्दी से जल्दी अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी से बाहर हो जाएगा। डिक्रीज नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज, मतलब आपका ये क्या करता है, जो आपका सिंपथेटिक एक्टिविटी है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, जिसके कारण से आपका कार्डियक रिमॉडलिंग भी रिड्यूस हो जाता है और आपका कार्डियक जो फंक्शन होता है जो आपका ज़्यादा होता है उसको भी ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये होता है आपका एस इनहिबिटर। साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो हाइपरकैलेमिया, हाइपोटेंशन और कफ। कफ इसलिए होता है क्योंकि आपका सलाइवेशन को रिड्यूस करता है, क्योंकि यह सिम्प्टोमेटिक सिस्टम को सिंपथेटिक सिस्टम को रिड्यूस किया, जिसके कारण से आपका गला सूख जाता है, मतलब सलाइवेशन कम होने के कारण, जिसके कारण से आपको कफ होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करेंगे तो प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है, आपका रीनल आर्टरी डिसीज में नहीं दिया जाता है और एंजियोडीमा में इस ड्रग को नहीं दिया जाता है। इन ड्रग के साथ इसका क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। वहीं हम ARB की बात करेंगे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की बात करेंगे तो लोसार्टन का फंक्शन क्या होता है, कंसिडर इन पेशेंट हु आर इनटॉलरेंट टू एस इनहिबिटर। जब आपका एस इनहिबिटर मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के कारण जो इनटॉलरेंस होता है, उस कंडीशन के कारण हमको लोसार्टन देना पड़ता है। पोटेंट कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ 81 रिसेप्टर, तो आपको पूछा जा सकता है 81 रिसेप्टर का कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट कौन है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे लोसार्टन। तो उसके कारण आपका ये सब करने के कारण आपका रिजल्ट क्या होता है, वैसोडायलेशन होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर उसमें डायलेशन होगा, डिक्रीज सिम्टोमेटिक एक्टिविटी, जो आपके सिंपथेटिक जो एक्टिविटी होती है, मैंने बताया था आपको शेर जब सामने आता है तो सिंपथेटिक एक्टिविटी आपका वैसी कंडीशन होता है, तो उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। डिक्रीज एल्डोस्टेरोन रिलीज, एल्डोस्टेरोन के रिलीज को डिक्रीज करता है, जैसे आपका स्पायरोलैक्टोन वर्क करता है, और वैसे डिक्रीज क्या करता है, रीनल सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को भी कम करता है, मतलब आपका सोडियम का अमाउंट जो है आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। साइड इफेक्ट इसका भी हाइपरकैलेमिया, कि आपका पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, रीनल फेलियर, हाइपोटेंशन, क्योंकि आपका कभी कभी ये बहुत कम कर देता है आपके ब्लड के प्रेशर को।
और कॉन्ट्राइंडिकेशंस होता है प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में नहीं देते हैं, और हाइपरकैलेमिया में भी इसको नहीं दिया जाता है। मतलब जब आपका हाइपरकैलेमिया बढ़ जाता, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो भी आपका ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एडवांटेज की बात करेंगे, एडवांटेज की बात करेंगे तो ये क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है सिम्टम्स को, इम्प्रूव कर रहा है आपके एक्सरसाइज टॉलरेंस को, सो प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज, आपके जो डिसीज के कारण आप डिसीज का जो प्रोग्रेशन रेट है उसको क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है, और प्रोलॉन्ग कर रहा है आपके सर्वाइवल को, मतलब आपका सर्वाइवल को, मतलब आपकी लाइफ को क्या करता है, प्रोलॉन्ग करता है। तो ये होता है एडवांटेज ऑफ जो रेनिन एंजियोटेंसिन ड्रग है, उसके सब एडवांटेज हैं। वैसी बात करेंगे हम वैसो डायलेटर्स की, वैसो डायलेटर्स की बात करेंगे तो वैसो डायलेटर्स में आपके आइसोसॉर्बाइड, डाइनाइट्रेट, हाइड्रोलेजिन, ये आपके क्या है, वैसो डायलेटर्स हैं। तो इफेक्टिव इन एक्यूट हार्ट फेलियर, ये आपका एक्यूट हार्ट फेलियर में इफेक्टिव होता है, जब आपका नॉर्मल मतलब एक स्टार्टिंग स्टेज होता है हार्ट फेलियर का। रिड्यूस प्रीलोड वेनोडायलेशन, मतलब आपके वेनस में जो वेन्स होते हैं उसमें डायलेट करके ये क्या करते हैं, आपके प्रीलोड को रिड्यूस करता है। वेनस डायलेशन मतलब आप प्रीलोड समझ रहे हो, जब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आपके हार्ट पे आता है तो वो आपके वेन्स के थ्रू आता है, तो उसको क्या करता है, उस प्रेशर को ये कम करता है, जो वेनो डायलेशन करके, मतलब आपके वेन्स में डायलेशन करके ये उस प्रेशर को कम करता है, जिसके कारण से आपका आफ्टरलोड भी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एंट्रीओलर डायलेशन करना, मतलब आप सॉरी आर्ट्रीओलर डायलेशन करना, आर्टरीज में आपको डायलेशन होता है, जिसके कारण से आफ्टरलोड में भी आपको मतलब रिड्यूस हो जाता है, आपको प्रीलोड भी रिड्यूस हो रहा है और आफ्टरलोड भी रिड्यूस हो रहा है इसका यूज़ करके वैसोडायलेटर्स, आइसोसॉर्बाइड, डाइनाइट्रेट और हाइड्रोलिजिन का यूज़ करके। तो ये ड्रग को हम रीमॉडलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब रिमॉडलिंग को रिड्यूस करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वैसोडायलेटर्स। अब हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स की, बीटा ब्लॉकर्स की बात करेंगे तो आपका बीटा ब्लॉकर्स जनरली यूज़ नहीं होता, जनरली जो होता है बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है CHF में, ठीक है। जो सभी बीटा ब्लॉकर्स बहुत सारे ड्रग आते हैं, टिनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, बीटालॉल, बहुत सारे ड्रग हैं आपका, बीसोप्रोलॉल, कार्बिडोलॉल, तो ये सब ड्रग को बहुत कम ही ड्रग जो होता है यूज़ होता है आपके CHF के कंडीशंस में। तो आपका बीसोप्रोलॉल, कार्बिडोलॉल, मेटाप्रोलॉल आर प्रीफर्ड एज दिस ड्रग्स इम्प्रूव वेंट्रिकुलर फंक्शन एंड प्रोलॉन्ग सर्वाइवल इन दिस पेशेंट। तो आपका CHF में आपका जो ड्रग यूज़ होता है बीसोप्रोलॉल, कार्बिडोलॉल और मेटाप्रोलॉल, इसको प्रीफर किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, वेंट्रिकुलर फंक्शन को इम्प्रूव करता है और सर्वाइवल को क्या करता है, प्रोलॉन्ग करता है जो CHF के पेशेंट होते हैं उनमें। दिस सजेस्टेड मैकेनिज्म फॉर द फेवरेबल इफेक्ट ऑफ द अबव थ्री ड्रग, क्या क्या जो मैकेनिज्म होता है, जो तीन ड्रग होते हैं उनके, रिडक्शन इन कार्डियक रिमॉडलिंग, ये कार्डियक रिमॉडलिंग मतलब कार्डियक जो मसल्स होते हैं उसमें जो रिमॉडलिंग हो रहा है उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। सेकेंड, ब्लंटिंग ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ हायर सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैटेकोलामाइन, तो ये क्या करता है, जो आपका एडवर्स इफेक्ट मिलता है आपका कैटेकोलामाइन से उसको क्या करता है, ये ब्लंटिंग का काम भी करता है। तो ब्लंटिंग का काम की अगर हम बात करेंगे तो ये कैसे करता होगा, तो इसको हम देखेंगे कि आपका प्रोसेस होना, मतलब उसको क्या करता है वो, ब्लंटिंग का मतलब आप समझ लो कि एक प्रोसेस में, मतलब एक धार जैसा होता है, तो धार को अगर हम धार मतलब कोई कुछ धार वाला कोई चीज़ है उसमें अगर धार अच्छे से नहीं होता उसको हम बोल मतलब अच्छे से धार नहीं होता उस चीज़ को, मतलब एक वे होता है कोई भी डिसीज होने एडवर्स इफेक्ट एक वे होता है उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करने का काम करता है। वैसे साथ में क्या करता है, डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, कैसे डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, कैसे डिक्रीज करता है, मतलब जो एक्सेस हार्ट रेट है उसको भी डिक्रीज करने का काम करता है। तो बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ होता है ये सब। तो ये हो गया आपका ड्रग यूज्ड इन CHF। थैंक यू।